हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कबीर है और आज मैं बताऊंगा रेटिंग को और रिव्यूज़ को कैसे इंक्रीज करें, वो भी खुद से। ठीक है जी, हाँ आपने सही सुना है, खुद से आप रेटिंग और रिव्यूज़ कर सकते हैं और जोमेटो में अपनी एक अच्छी सी फेस वैल्यू या अपनी अच्छी सी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े ब्रांड का आप नाम देख रहे होंगे, ठीक है, ये देख रहे हैं हुकन, स्वीट टूथ, इनकी रेटिंग कितनी अच्छी है सर मचाए। ये कहीं ना कहीं अपनी गुडविल बना रखे हैं और इनके पास ऑर्डर अच्छे खासे गिरते हैं। अगर आप भी चाहते हैं इसी तरीके से मेरे जो ब्रांड वैल्यू है और गुडविल बनी रहे, तो आप रेटिंग और रिव्यूज़ खुद से भी कर सकते हैं। वो मैं बहुत ही सिंपल सा एक फंडा बताऊंगा, आप उसके थ्रू आप करेंगे, पर वो फंडा जो है वो आपको डेली करना पड़ेगा। कहते हैं एक दिन में अगर पहाड़ तोड़ेंगे तो नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है, अगर आप डेली तोड़ेंगे तो तोड़ लेंगे। वो कहते हैं ना, एक बूंद का पानी अगर पत्थर पे गिरता रहे, अगर कंटिन्यू गिरता रहे तो पत्थर में छेद कर देता है ना, तो वही चीज़ आपको करनी है। वैसे तो पानी के औकात नहीं कि पत्थर में छेद कर दे, पर वो कंटिन्यू अगर डेली गिरता रहे तो पत्थर में छेद हो जाता है। तो यही काम हमें करना है, डेली करना है और डेली 10 मिनट ही करना है, 10 से 15 मिनट। और करना क्या ये मैं बता देता हूँ, 10 से 15 मिनट आप अपने रेस्टोरेंट पे देना है और उसमें रेटिंग और रिव्यूज़ करनी है। आपसे 2 से 3, 4, 5 रिव्यूज़ या रेटिंग करनी है। और बहुत ही सिंपल फंडा है रेटिंग या रिव्यूज़ करने का। सबसे पहले हम जाते हैं जीमेल में, ठीक है, जीमेल को खोलने के बाद जाना है हमें यहाँ पे प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे जाने के बाद हमें ये देख रहे हैं जीमेल आईडी, जीमेल आईडी से ही जोमेटो में रेटिंग एंड रिव्यूज़ होती है। पर जीमेल आईडी आपकी फेक नहीं होनी चाहिए, फेक इन द सेंस समझ रहे हो, एक टेम्प जीमेल, एक टेम्प ऐप आता है टेम्प जीमेल आईडी, तो टेम्परेली जीमेल आईडी मिलती है, वहाँ से मत करिएगा आप, नहीं तो रिमूव कर देगी वो रिव्यूज़, ठीक है। तो आपको बनाना है जीमेल आईडी किसी अदर नाम से, उसके बाद आपको रेटिंग करनी है। अब आगे मत बढ़ जाना, स्किप मत कर देना वीडियो को कि चलो साला मैं तो साहब बन गया, मेरे को सब आ गया, अभी आगे और भी बताऊंगा ना, उसको फॉलो करना, तभी रेटिंग और रिव्यूस आपकी जोमेटो में लाइव शो करेगी, अदरवाइज़ करेगी भी नहीं, ठीक है। अब करना क्या है हमें, यहाँ पर देखिए एड अदर अकाउंट लिखा हुआ ना नीचे, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। मेरे को यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं बनाना है, मैं देख रहा हूँ मेरे को और कहाँ से, ओपेरा से बनाना था, ये रहा ओपेरा, ठीक है, मेरे पास ओपेरा है तो मैं ओपेरा से करना चाहूँगा। यहाँ पे सेम वही प्रोसेस है यार, हिंदी में हो गया है, ये बहुत दिक्कत है, दूसरे खाता हो जाए इंग्लिश खाता, एक मिनट यार, पहले मराठी से लेके पहले इंग्लिश में करो, मेरे को खुद ही नहीं बता पाता मैं हिंदी में सही से, ठीक है भाई। अभी क्या इंग्लिश मैंने इसलिए कर दिया कि इंग्लिश ना सभी लोगों को पढ़ रही, मेरी आवाज़ शायद हिंदी में है, मैं शायद नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, पर वो आप देखते रहेंगे ना तो इंग्लिश में समझ तो आ ही जाएगा आप लोगों को, ठीक। ये देखिए क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ, इसके ऊपर क्लिक करना है आपको, उसके बाद लिखा है फॉर माई सेल्फ, इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है आपको, कुछ भी नाम डालना है, कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है जी, उसके बाद आप डाल सकते हैं कुछ भी, पासवर्ड डालना हूँ, सही डाला हुआ है, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ, सब कुछ मैंने सही भरा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालने से आपकी जीमेल आईडी बनेगी भाई, डाल रहा हूँ, यही मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। और ये इतना तेज हम डालने की ज़रूरत नहीं, अगर आप डेली बनाएंगे ना तो ये समझ लीजिए आपको कम से कम 4 से 5 जीमेल आईडी आप विदाउट नंबर डाले ही बना सकते हैं। मैं बना चुका हूँ ना कल, इसलिए नहीं बन पा रही हूँ, ठीक है। देखिए मैंने मोबाइल नंबर नहीं डाला है, समझ लीजिए मैंने नोट नाउ कर दिया था, तो मोबाइल नंबर मेरा वेरीफाई नहीं हुआ है अभी, आगे देख लेते हैं, अगर वेरीफाई हुआ होगा तो अभी पता चल जाएगा, अदरवाइज़ नहीं हुआ है, ठीक है। मैंने मोबाइल नंबर इसमें नहीं डाला है और मोबाइल नंबर की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, और हमने जीमेल आईडी बना ली, पर देखिए यहाँ पर शो नहीं कर रही है अभी, अच्छा ये ऊपर ही शो कर रही है, ठीक है। ये जो जीमेल आईडी है इसको ही हम जोमेटो में पहुँचा सकते हैं, पर पहुँचाना कैसे यार यहाँ से, तो एक मिनट, होम पे जाने के बाद जोमेटो रेस्टोरेंट,
ठीक है, ये जोमेटो रेस्टोरेंट वाला वो खुल गई है वेबसाइट। यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट सर्च करना है आपको। ये मेरा वेटर्स आ गया, ठीक है। यहाँ से काफ़ी कुछ ओपन करके देख सकते हैं, पर आप एप्लीकेशन में डायरेक्ट चले जाइएगा, ठीक है। मैं एप्लीकेशन में जा रहा हूँ डायरेक्ट, देखते हैं जिम्मेदारी कैसे वहाँ लगती कि नहीं लगती। सबसे पहले जो अभी चल रही है इसको लॉग आउट करता हूँ, ठीक है। इसको हम लॉग आउट करते हैं क्योंकि मैंने इस जीमेल आईडी से रेटिंग और रिव्यूज़ कर चुका हूं। उसके बाद जाना है गूगल पे, ठीक है। जो मैंने जीमेल आईडी बनाई थी वो गूगल क्रोम उस पर है आ रही है, क्या बोलते हैं ओपेरा पे, तो वो यहां पे नहीं आ रही है। तो मैंने और भी जो जीमेल आईडी बनाई थी ये, इससे अभी मैंने रिव्यूज़ नहीं किया है, तो मैंने इसको क्लिक कर लिया है। इसी तरीके से आपको जीमेल आईडी इसमें डालनी है न्यू, जो भी आप बनाएंगे। ओपन हो रहा है, ओपन हो जाए, मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको करना है। और देख लीजिएगा प्लीज़, पहले से मत बन जाना यार कि मेरे को पता चल गया, अदरवाइज़ पता होता नहीं चलेगा, बस फिर यही सोचोगे यार बंदा ऐसे ही कुछ बता गया, ठीक है। अभी मेरे को अपने रेस्टोरेंट का नाम सर्च करना है, कबीर रेटिंग पॉइंट, ठीक है जी। कबीर रेटिंग पॉइंट पर गया हूँ मैं अभी। यहाँ पे देखिए डाइनिंग और रिव्यूज़ पे, रिव्यूज़ के ऊपर क्लिक करेंगे हम। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक लिखने का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आप करेंगे क्लिक। उसके बाद आपको जो भी आपके पास है ये करिएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोटोज़ के साथ में ही रिव्यूज़ डालिएगा, तभी फ़ायदा है, क्योंकि फ़ोटोज़ वाला जो आप रिव्यूज़ डालेंगे ना वो हाईलाइट हो जाता है, अदरवाइज़ वो हाईलाइट नहीं होगा जो भी आप डालेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि रियल फ़ोटोज़ लगे, ऐसा डालिएगा कोई भी। कैमरे की फ़ोटो लेते हैं, ये कुछ रियल फ़ोटो लग रही है वाली, आप देख रहे हैं ना, ये रियल फ़ोटो लग रही है। और ये तो ग्रिलर के ऊपर ही है, तो ये रियल फ़ोटो नहीं लग रही है, ये रियल फ़ोटो लग रही है। जो रियल फ़ोटो लग रही है ना उसके ऊपर ही हमें काम करना है। और भी जो रियल फ़ोटो हो ना, अपन अपने घर में कहीं पे या कहीं पे टेबल उबल पे रख के फ़ोटो खींचेगा, वही आप डालिएगा इसमें। और किसी मशीन के ऊपर रख के खींच के डालेंगे तो पता चल जाएगा ये रेस्टोरेंट वालों की ही रेटिंग है और रिव्यूज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिएगा मैंने क्या किया हुआ, देखिए कंटेनर में है तब मैं इसकी फ़ोटो खींच के डालूँ। अभी हमें रिव्यूज़ करना है, तो मैंने रिव्यूज़ पहले लिख के रख लिया है, और ये हमेशा के लिए लिख के रख लेता हूँ ताकि मेरे को टाइम आगे ना जाए। मेरे को बस ढूंढना पड़ेगा वो है कहाँ पे। मैंने ये रिव्यूज़ ना जो मुझे लिखना था ना रेस्टोरेंट और सैंडविच के बारे में, मैंने पहले से लिख लिया था क्योंकि मेरे को ना टाइम बचाना था। अभी मैं क्या करूँगा, मैंने वो फ़ोटोज़ तो अपलोड कर दिया है, कम से कम 100 वर्ष होने चाहिए तब यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कर नहीं सकते। तो मैंने 100 प्लस पहले से लिख लिया है इसमें, ठीक है। अभी मैं सबमिट कर देता हूँ, अभी हो रहा है देख पोस्टिंग और रिव्यूज़, ठीक है। ये हो गया, अब यहाँ पे व्यू करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमने किया हुआ है, ठीक है। ये सब कुछ लिखा हुआ है, द टेस्टी सैंडविच एंड फुली स्टफिंग सैंडविच प्रॉपर ग्रिल्ड एंड यूनिक पैकिंग आई प्लेस्ड ऑर्डर एवरी डे, ठीक है। ये मैंने लिखा हुआ है, और ये देखिए रियल फ़ोटोज़ लग रही हैं दोनों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है मेरे भाई। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे आप डेली 3 से 4 करनी है, ज़्यादा नहीं, मैं ज़्यादा भार नहीं आपको बताऊँ, 3 से 4 ही रेटिंग एंड रिव्यूज़ करेंगे, पर डेली करना है बस। डेली एक नियम बना लिया कि यार हमें इस टाइम पे क्या है रेटिंग एंड रिव्यूज़ करना है, और ये करना या करवा लेना है आपको, करना ज़रूर है विद फ़ोटोज़ के साथ में। जितना आप फ़ोटोज़ डाल के रिव्यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा हाईलाइट रहेगी आपकी रिव्यूज़, तो आप फ़ोटोज़ डालना मत भूलिएगा, ठीक है। अभी मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रहा हूँ, और वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर भी अगर समझ नहीं आया तो यार कॉन्टैक्ट कर लेना, कोशिश करना इस वीडियो से समझ जाना सब कुछ, ठीक है। इसमें कॉन्टैक्ट करने वाली कोई बात है नहीं, फिर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है।
ठीक है, और किसी चीज़ के बारे में अगर पूछना हो तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फूड लाइसेंस, GST, जोमेटो में ज्वाइनिंग कैसे करनी है, स्विगी में ज्वाइनिंग कैसे करनी है, मेनू कैसे क्रिएट करना है, मेनू कैसे बनाते हैं, आप जो पूछना हो वो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस वीडियो पर मत जाना, और भी वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं सब पे, बस इतनी अच्छी नहीं बनाई है, ये कोशिश की है थोड़ा अच्छा बनाने की, और आगे भी कोशिश करूँगा कि अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। शेयर और लाइक और सब्सक्राइब तीनों चीज़ ज़रूर कर लेना, भूल जाता हूँ सब कुछ बताना, लोग तो पहले बता देते हैं, मैं सबसे बाद में बता रहा हूँ, सबसे पहले काम की बात, उसके बाद अपने काम की बात। ठीक है भाई, थैंक यू।